मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है। क्रिप्टो क्रेज चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की, तो क्रिप्टो मार्केट फिलहाल 1.86 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है, 0.04% डिक्रीज के साथ। हम बात करेंगे आज फिर सीवन और बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन को। जैसे हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन 49.84 के आसपास, 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 24 घंटे में देखा जाए तो दोस्तों 24 घंटों में 1.04% की डिक्रीज के साथ ये मार्केट ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहा है। हम देख लेते हैं क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन। तो आज क्रिप्टो मार्केट थोड़ा सा डाउन चला गया था। मार्केट की भी बात करें तो 40,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। कल देखें तो 41 के आसपास ट्रेड कर रहा था। 42 आने की भी 40,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी करेंट सिचुएशन देखें तो बिटकॉइन 40 की लेवल पहुंच चुका था, 41,000 ट्रेड कर रहा था। मार्केट थोड़ा डाउन भी आया था दोस्तों, और यहां वे बिटकॉइन फिर से भी जाता हुआ दिख रहा था। मगर अभी हम अगर बात करें इथेरियम को, तो इथेरियम फिलहाल अभी 28 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी इसका मार्केट प्राइस देखें 29916 के आसपास 1.82% अप के साथ ट्रेड कर रहा है दोस्तों। इसके बाद फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं टेथर 1.00% के साथ टेथर ये थर्ड नंबर में अभी रैंक कर रहा है दोस्तों, 0.01% के साथ डाउन के साथ। इसके बाद जो कॉइन है दोस्तों BNB 3.972% के साथ ये फोर नंबर में ट्रेड कर रहा है, 1.46% अप के साथ दोस्तों। इसीडी कॉइन, XRP, तारा, ये सभी कॉइन हैं दोस्तों फिलहाल अभी मार्केट डाउन फॉल। कुछ ऐसे कॉइन है जो मार्केट रिकवरिंग करते हुए दिख रहा है दोस्त। इसमें कार्डानो एक अच्छा कॉइन है दोस्तों, जो फ्यूचर में अच्छा कुछ मार्केट रिकवरिंग करते हुए दिख सकता है दोस्तों। इसके बाद ट्रेड कर रहा था दोस्त, इसमें आ जाते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। जो तो बाइनेंस कॉइन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, तो बाइनेंस कॉइन 39.1 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा था, और 400 से ये कुछ करेंट सिचुएशन क्रिप्टो मार्केट सीवाइन को कल की डेट में देखें 30% इंक्रीज दिख रही थी। इसी सिचुएशन अगर प्राइस देखें तो सीवाइनू 72 के आस के सीरीज प्राइस और भी नीचे आया। सीवाइनू का पूरे क्रिप्टो मार्केट थोड़ा सा ग्लोबली मार्केट डाउन, आपको पता है कि रसिया यूक्रेन वार आदि अभी करंट सिचुएशन कंटिन्यू थमना, रसिया एवं यूक्रेन कोई भी पीछे नहीं हट रहा है दोस्तों। इससे मार्केट काफ़ी कुछ डाउनफॉल दिख रहा था, जिसमें रसिया यूक्रेन की वार है दोस्त, इसके कारण मार्केट में अच्छा खासा वार कोई भी पीछे हट नहीं रहा है दोस्त, इसके कारण क्रिप्टो में अब वार को देखें तो 26 डे इसी वार का हो गए हैं। तो अगर क्रिप्टो मार्केट कोई भी ग्लोबल फाइनेंस मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, कोई भी हो दोस्तों, जितने फाइनेंस मार्केट में काफ़ी कुछ रसिया यूक्रेन के इफेक्ट पड़ा है दोस्तों। तो हम रसिया का वार जो ऐसी सिचुएशन है जो क्रिप्टो मार्केट इम्पेक्ट कर सकता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों। यहाँ चीज़ें बढ़ती दिख रही हैं, लेकिन अभी मार्केट से सिचुएशन ठीक है। आज हम बात करेंगे सीवाइनू टीवी के बारे में, जो सीवाइनू क्रिप्टो अभी टेलीविज़न का भी नाम आएगा दोस्तों, जो ये नया प्रोजेक्ट अभी फ़िलहाल देखने को मिल रहा है सीवाइनू के रोड मैप के बारे में। तो रोड मैप बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दोस्तों जो सीवाइनू बहुत से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है दोस्तों। सीवाइनू फिलहाल बहुत से प्रोजेक्ट के सीवाइनू के फॉलो करते हैं, जो इसी कॉइन को लेकर, जैसे इसी को सीवाइनू कॉइन को देखते हुए दोस्तों कई कॉइन ऐसे हैं जो सीवाइनू को देख के फॉलो कर रहे हैं। इस जो कर रहा है, जो हम भी बात कर जाएंगे सीवाइनू अपने आप अलग कर रहा है दोस्तों। जैसे कि कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सीवाइनू को वो कर रहा है, जैसे सबसे ज़्यादा मार्केट 24 मिलियन बर्निंग 170 के आस मिलियन सीवाइनू को हो चुका है।
बर्निंग इम्पैक्ट नहीं कर पड़ा है जो, तो क्रिप्टो मार्केट थोड़ा से नीचे चलता चलता चला गया था। लेकिन शिबा इनू मेटावर्स के अलाउंस की भी किया है, जिसके कारण शिबा इनू अच्छे खासा देखने को मिला, अभी फिलहाल दिख रहा था। और शिबा इनू गेम में भी काम कर रहा है दोस्तों, शिबा इनू एक प्रोजेक्ट है जो गेम के भी ऊपर भी काम कर रहा है फिलहाल। और शिबा इनू स्वैप जो डिसेंट्रलाइज लॉन्च भी किया है, जिसे रिसेंटली अभी डेजी स्वैप करके एक क्वाइन है जिसे लॉन्च किया था। इसके अलावा दोस्तों शिबा क्वाइन जो इसके ऊपर भी काम कर रहा है, खुद का स्टेबल क्वाइन भी ले आएगा दोस्तों। ये बर्निंग देख चुके हैं, हर प्लेटफॉर्म देख चुके हैं दोस्तों बर्निंग को लेकर, डीसी क्वाइन जो चल रहा है। शिबा इनू जो भी चीज़ कर रहा है, जो भी चीज़ कर रहा है 2022 में आने से पहले ही इसका वो समाचार वो हो गया था दोस्तों। फिलहाल हम इसकी चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। चार्ट की बात करें तो वन डे में आज ही मार्केट कुछ ठीक रिकवरी 40.23.1 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। आज की डेट में देखा जाए दोस्त हाई तो ज़्यादा नहीं बना है दोस्तों। हाई की बात करें तो फिलहाल ये हाई आज की वन डे की बात करें तो 40.23.1 के आसपास की है जो दोस्तों, जिसमें ये दिख आप देख सकते हैं जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये इसी आज का हाई का जो बना हुआ है दोस्तों, इसी कारण ये ग्रीन ग्रीन आसपास देखने को मिल रहा है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद।